एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज है रामनवमी और आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैंने घर का सारा काम भी कर लिया है और खाना वगैरह मेरा सब कुछ बन गया है। बस मैंने बच्चों के लिए यहाँ ये बिछा दिए हैं और अब बस मुझे कन्याओं को बुला के लाना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या क्या सामान मंगाया है, क्या क्या मैं लेके आई हूँ देने के लिए। और यहाँ हार्दिक बना रहा है बच्चों के लिए पैकेट। और हम क्या क्या लाए हैं बच्चों के लिए, हार्दिक दिखाओ क्या क्या लाए हैं हम बच्चों के लिए। फ्रूटी, चिप्स और चॉकलेट, और चॉकलेट के बिस्किट में रखे हैं, तो तो हम बच्चों के लिए इस बार फ्रूटी चिप्स और चॉकलेट्स लेके आ रखे हैं। और हार्दिक इनकी पैकिंग कर रहा है यहाँ, करो आप करो। और अभी हमने पूजा भी कर ली है, अनुज नारियल तोड़ रहे हैं और उसके बाद बस मैं कन्याओं को बुलाती हूँ, फिर हम कन्या खिलाते हैं। वाह, वेरी नाइस, व्हाट अ शॉट। बैठो हार्दिक, बैठो सब बैठो। और ये आ गई है हमारी इतनी सारी कन्याएं, बैठो बैठो। और ये हमारी सबसे छोटी कन्या, सबसे छोटी कन्या। ओ क्यों रो रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ देखो आपकी वीडियो बन रही है। ये सबसे छोटी कन्या है हमारी। हाँ बैठो, चलो सब अच्छे से बैठो। और ये गीता बना रही है पूरियां। ये हलवा रेडी है हमारा, छोले रेडी हैं, पूरियां यहाँ बन रही हैं। और ये पूरी वाली हमारी। सबके पास है बेटा, आप ले जाना, वो थोड़ा थोड़ा तो देना ही पड़ता है ना।
किसके पास चम्मच है? इसको खूब सारा दे दो। क्या नाम है इसका? आरोही को। आरोही को बहुत सारा दे दो। आरोही को सूजी हलवा कुछ नहीं दिया। है मुझे बेटा खाना खाने दो पहले, जब जाएंगे तब बांटेगा। अच्छा जो खाना खाएगा, जो खाना खाएगा फिनिश, सुनो यहाँ देखो, जो खाना फिनिश करेगा ना फिर उसको वो जो मैं ले आई हूँ वो मिलेगा। ठीक है, चावल खाने, रायता खाएगा, कोई रायता खाएगा, किसी को खाना है रायता? पीने वाला नहीं बनाया, खाने वाला बनाया। खाना है, चलो पहले खाना खाओ, ये स्टार्ट करो। मैं रायता ला हार्दिक आओ, पैर छू लूं आपके।
जय माता दी, 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 जय ये किसकी प्लेट है? ये किसकी प्लेट है? आपकी बहन की? लाओ आपको छोले पसंद है, जो भी छोले बताए छोले और दूं आपको मैं और दे बेटा आराम से आवाज अभी सारे बच्चे चले गए हैं और बच्चों ने तो इतना शोर कर करके वही बड़ी हालत खराब कर दी। और छोटी बच्ची तो वो इतना ज्यादा डर गई थी उन बच्चों की आवाज सुन के। और एक ये हमारा हार्दिक है, ये हमारा लंगूर, ये नहीं बैठा बिल्कुल भी, सबसे गंदा लड़का है ये। हैं क्यों नहीं बैठे आप? ऐसे करते हैं अपने घर में? क्या था ड्यूटी में? कह रहा है मैं तो ड्यूटी में था, बताओ। और ये भी ड्यूटी में है। अभी यहाँ पहले पूरी साफ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि यार सारा कुछ गिरा हुआ है, तो इसको पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही हम खाना वाना खाएंगे। और अब टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। और अब मैं बना रही हूँ हम लोगों के लिए पूरी और रोटी। कुछ लोग पूरी खाने वाले हैं, कुछ लोग रोटी खाने वाले हैं। तो भाई तो मेरा पूरी खाता नहीं है, तो उसके लिए मैं रोटी बनाऊंगी। अनुज को पूरी पसंद है, मुझे पूरी पसंद है, हमारे लिए पूरी बनेंगी। तो मुझे खाना हमेशा खड़े होके ही खाता है, बैठ के नहीं खाता तू। लुके मतलब शीशे लगा के और हार्दिक कह रहा है कि उसने संतरे का बीज लगाया था परसों और आज वो उग गया है। हार्दिक कितना बड़ा हो गया उसका पेड़? अभी तो उगे नहीं है, खाली तो अब इतना ही नन्नू सा ही होता है। संतरे होने तो लग गए उसमें? नहीं अभी नन्नू सा ही होगा। नन्नू सा होगा? अच्छा ठीक है, फिर उसमें से अब संतरे उसी में से खाने हैं हमने। ठीक है, आम तो नहीं हो गए उसमें? आम का कोई बीज भी होता है? क्यों नहीं होता है? आम की गुठली नहीं होती है? वो बीज होती है तो फिर आम की गुठली होती है वो, तो आम की तरह खोल दूंगा। हां संतरे हो रहे खाली, छिलके हो रहे अंदर संतरे नहीं हो रहे, उसके छिलके हो रहे खाली, अंदर का कुछ नहीं है उसमें। अंदर का होगा। और अभी हमारा खाना वाना सब हो गया है और नवरात्रि भी बहुत अच्छे से निपट गई हमारी, कन्या पूजन भी बहुत अच्छे से हो गया है। और यार अब पूरी खा के आ रही है नींद, क्योंकि यार पूरी खाते ना जब भी, तो उसके बाद कुछ भी काम करने का मन नहीं करता और बस नींद आती है। लेकिन अभी सो नहीं सकती क्योंकि किचन पूरी फैली हुई है, तो पहले मैं किचन साफ करूंगी उसके बाद मैं सोऊंगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।